अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है। हम आज इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ से देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा को, हम देखेंगे डिटेल में कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होते हैं, उसकी दो टाइप जो होती हैं डीएफए एनएफए, वो दोनों क्या होती हैं उनके बारे में हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है क्या होता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के लिहाज से हम फाइनाइट ऑटोमेटा को डिनोट करते हैं एफ ए से। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट मशीन। ये सबसे सिंपल मशीन होती है, किसके लिए? टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। फाइनाइट ऑटोमेटा पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे सिंपल मशीन है। उसके बाद हम देखते हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा फाइव टपल्स के मल्टीपल होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइव टपल्स होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एक कैपिटल क्यू होता है, ये नंबर ऑफ स्टेट को शो करता है, से सबमिशन होता है, ये नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स को शो करता है। क्यू होता है ये क्या करता है? इनिशियल स्टेट को शो करता है। और कैपिटल में एफ जो है ये क्या करता है? फाइनल स्टेट को शो करता है। सिग्मा जो है ट्रांजिशन फंक्शन है। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसकी दो मेन टाइप है, डीएफए भी और एनएफए भी है। जब हम बात करते हैं डीएफए, तो डीएफए क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एनएफए क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिहाज से हम देखते हैं इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिम ठीक है फाइव टपल, जो डीएफए होता है मुस्तमिल होता है फाइव टपल के ऊपर। इसमें भी ये आपके पास पांच टपल है, क्यू है, सबमिशन है, क्यू है, कैपिटल में क्यू और एफ है। तो अभी आपको बताया था कि क्यू क्या करता है, नंबर ऑफ स्टेट जो जितने भी नंबर ऑफ स्टेट होंगे उनको शो करेगा। जो सबमिशन ये क्या करेगा, ये हमारे पास टोटल जो इनपुट सिंबल्स होंगे उनको शो करेगा। जो लोअर केस में क्यू है ये क्या करेगा, हमारे पास इनिशियल स्टेट को शो करेगा। जो सिग्मा है ये ट्रांजिशन फंक्शन को शो करेगा। कैपिटल में जो एफ है ये फाइनल स्टेट को शो करेगा। हम देखते हैं डीएफए होता क्या है। तो इन डीएफए क्या होता है, फॉर अ पार्टिकुलर सिंबल मशीन गोज टू वन स्टेट ओनली। जब एक कोई सिंबल आएगा तो डीएफए के अंदर मशीन क्या करती है, किसी खास स्टेट पे चली जाती है। एक सिंबल के लिए पहले से मतलब पता होता है, डिटरमाइन होता है कि आपने कौन सी स्टेट पे जाना होगा। हम फिर मजीद देखने का ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन ऑन एवरी स्टेट फॉर एवरी इनपुट सिंबल। ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर हर स्टेट को डिटरमाइन किया जाता है, जब भी कोई इनपुट सिंबल आएगा तो इसके लिए हमने कहां पे मूव करना होगा। डीएफए नल, एप्सिलॉन इज नॉट अलॉट। डीएफए के अंदर कोई सिंबल आएगा तो ठीक, अदरवाइज एम्प्टी कोई भी चीज, एप्सिलॉन नल इधर अलाउ नहीं है। और फिर हम देखते हैं डीएफए के लिहाज से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो डीएफए के अंदर हमारे पास क्या है, सबमिशन इज इक्वल टू जीरो और वन हमारे पास सिंबल है, इनपुट सिंबल है, और उनके लिए हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे ठीक है, एक एफए बनाएंगे, डीएफए बनाएंगे, जो कि क्या करेगा, हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके लास्ट में जीरो आएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास ये एक एफए है जो कि क्या कर रहे हैं, हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके लास्ट में जीरो आएगा, उसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं एनएफए। तो डीएफए हमने पढ़ लिया, फाइनाइट ऑटोमेटिक दो टाइप्स हैं। अब हम देख रहे हैं एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बोलती है, इसके अंदर असल में नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा सेम डीएफए ही है, लेकिन इसके अंदर दो मेन फीचर्स हैं जो के डीएफए में नहीं थी। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है, नल, एप्सिलॉन इज अलॉट। डीएफए के अंदर नल अलाउ नहीं था, एनएफए के अंदर नल अलाउ होता है। एनएफए के अंदर हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर टू हमें बता रहा है कि एबिलिटी टू ट्रांसमिट एनी स्टेट ठीक है, ट्रांसमिट टू एनी स्टेट फॉर अ पार्टिकुलर इनपुट, कोई भी इनपुट आएगी तो उसके लिए क्या कर सकता है, किसी भी स्टेट के ऊपर मूव कर सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, एक लिहाज से हो सकता है पहले स्टेट हो सकता है, दूसरी स्टेट भी हो सकती है। सो एक इनपुट सिंबल के लिए एक से ज्यादा स्टेट भी हो सकती है। और फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एनएफए है इसमें दो फीचर, दो खास फीचर्स हैं, उसके बावजूद भी एनएफए और डीएफए दोनों के हैं पावर के लिहाज से इक्वल कंसिडर होते हैं, दोनों इक्वली होते हैं। जो हमारे पास एक और डिफरेंस है एनएफए और डीएफए में, वो ये एनएफए के अंदर ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। एनएफए के अंदर जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल में क्यू है, क्रॉस है, सबमिशन यूनियन एप्सिलॉन होता है, और रेज पावर टू ठीक है, आप देखते हैं पावर क्यू के लिहाज से इसके अंदर ट्रांजिशन फंक्शन होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।